महर्षि वाल्मीक भगवान की जय। आज शरद पूर्णिमा और महर्षि वाल्मीक भगवान की जयंती पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक माननीय सतीश पूनिया जी, रामचंद्र जी के यशस्वी विधायक माननीय मदन दिलावर जी, वाल्मीकि समाज की जयंती और उसके संदेश को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य करने वाले अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ जी, मोहन हरित जी, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में संस्कृत और देश के अलग अलग क्षेत्रों की बातों को रखा, अपेक्षाओं को रखा, श्री राम गोपाल राजा जी, मंच पर विराजे सभी अतिथिगण और यहां पर आए मेरे सभी वाल्मीकि समाज और उससे जुड़े भाइयों को, आज हम सब इस शरद पूर्णिमा पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती जी को याद कर रहे हैं। हमारा देश एक आध्यात्मिक संस्कृति, विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश, जहां हमारे महान पुरुषों से माध्यम से समाज में समाज सुधारकों के रूप में जिन लोगों ने समाज में योगदान दिया, भगवान महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान राम को शाश्वत रूप से, जिन्होंने अपने मन क्रम वचन से भगवान राम के विचारों को, उनके जीवन दर्शन को समाज के अंदर रखा, अलग अलग भाषाओं के अंदर रखा और आज भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी रामायण उस दुनिया के अंदर यादगार है, स्मृतियां हैं और लोग अलग अलग तरीके से भगवान राम के जीवन दर्शन को बताते हैं। आपने सही कहा, अभी मैं इंडोनेशिया से 8 तारीख को आया हूं और इंडोनेशिया में जावा में बाली के अंदर भगवान राम का चित्रण और वहां पर अलग अलग देश के लोग जब भगवान राम की लीला को देखने आते हैं उस अद्भुत दृश्य को मैंने देखा। मैंने कंबोडिया के अंदर ओकारवाट मंदिर भी देखा जहां 11वीं शताब्दी के भगवान राम के उस मूर्तियों के चित्रण के आधार पर भगवान राम के जीवन दर्शन को बताया गया, महाभारत के जीवन दर्शन को बताया गया। तो सही कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने इस रामायण को, राम दर्शन को केवल भारत में नहीं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग भाषा अलग अलग तरीके से राम के चरित्र और राम के जीवन दर्शन को बताया और मुझे खुशी है कि भारत आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र पर चलने का संकल्प ले रहा है। भगवान राम ने जहां आदर्श जीवन जीने जीकर दुनिया को संदेश दिया कि व्यक्ति का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए, वो राम के दर्शन से मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के कर्म दर्शन के माध्यम से जीवन के अंदर व्यक्ति का कर्म करना, ये सिद्धांत भगवान कृष्ण ने दिया और उस सब भगवान राम कृष्ण के अलग अलग विचारों को, उनको दर्शन को
कई महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को जब याद करते हैं तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र को जिस दृष्टि से दिखाया कि समाज में सब व्यक्ति बराबर हैं, न समाज में कोई ऊंचा है न समाज में नीचा है, उन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था और उन्होंने कहा कि व्यक्ति जाति से नहीं उसके क्रम की श्रेष्ठता से श्रेष्ठ बनता है और वाल्मीकि समाज के लोग जो क्रम करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ क्रम करते हैं, समाज की स्वच्छता का काम करते हैं। और इसीलिए आज भारत के अंदर भी वाल्मीकि समाज का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है और इसीलिए मैं जितना भी वाल्मीकि समाज के लोगों को जानता हूं वह आध्यात्मिक रूप से, धर्म के रूप से और आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से अपने चरित्र निर्माण के साथ व्यक्तित्व निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें एक अटूट आस्था है, विश्वास है और किस तरीके से भगवान राम के चरणों पर चिन्हों पर चित्रे हुए एक आदर्श जीवन, एक सात्विक जीवन, एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन। अभी कुछ दिन पहले हमने दशहरे पर रावण दहन किया है। रावण दहन का मतलब अहंकार का समाप्त करना, पाप का विनाश करना। हमारे जीवन के अंदर पाप और अहंकार समाप्त हो और इस पाप अहंकार को समाप्त करने का कितने काम किया वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। न उनमें अहंकार होता है न वो पाप की दृष्टि से देखते हैं। हमेशा वह समाज में पुण्य हो सके, समाज की सेवा हो सके, समर्पण के और सेवा के रूप में वाल्मीकि समाज जैसा कोई समाज नहीं है और इसीलिए आज भगवान राम के जीवन दर्शन को देखते हैं तो सबसे ज्यादा भगवान राम के शिष्य के रूप में हनुमान जी की पूजा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है। जिस तरीके का समर्पण और सेवा का भाव हनुमान जी में था इसलिए लोग सेवा समर्पण के कारण उनको सबसे ज्यादा पूजते हैं। तो यही कारण है कि युद्ध लड़ा अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो उनको संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को योद्धा बना रहे थे, खुद भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कर्म और कर्म सिद्धांत को उन्होंने अपनाया कि व्यक्ति कर्म के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है और कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और कर्म जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए कर्म के रूप में भी वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कह सकता हूं कि जो विचार राम गोपाल जी ने रखे एक श्रेष्ठतम विचार है कि जितना महर्षि वाल्मीकि जी को हम याद करेंगे, दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में याद करें, भारत के अंदर महर्षि वाल्मीकि के जीवन, उनके दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके सत्य पर मार्ग पर चलने वाले विचार आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। और इसीलिए भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विरासत को हमेशा जीवंत रखना है। हमारी विरासत, हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक रूप से हमें धर्म पर मार्ग पर चलने लगती है और कोई भी श्रेष्ठ शासन वो होता है जो धर्म से चलेगा और कोई भी धर्म की पूजा और उपासना का अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा केंद्र है तो हिंदुस्तान, जहां सभी धर्मों और पूजा का उपासना और सम्मान दिया जाता है। दुनिया के अंदर धर्म के आधार पर देश है लेकिन भारत की ये विविधता है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान दिया जाता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता का सम्मान किया जाता है, ये भारत की धरती और संस्कृति है। इसलिए जो बातें उन्होंने कही है निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वाल्मीकि समाज हमेशा से मेरा बहुत स्नेह प्यार रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। जिन जिन विषयों को उन्होंने रखा है उनसे भी जो भी हट के विषय होंगे मैं निश्चित रूप से उपयुक्त मंच पर उन बातों को पहुंचाऊंगा और मेरी कोशिश है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान की अगर आप सरकार से बात करें और जगह दे तो एक आगत मूर्ति भगवान महर्षि वाल्मीकि लगाए जिससे आने वाला व्यक्ति जब महर्षि वाल्मीकि को देखे, उनके जीवन दर्शन को देखे तो उस दर्वण दर्शन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा हो और आने वाली पीढ़ी जीवन के अंदर महर्षि वाल्मीकि के जीवन को अपने आचरण बनाए, व्यवहार में बनाए। और इसीलिए आज हम सब लोग महर्षि वाल्मीकि जी को याद कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ जी को, मोहन हरि जी को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ हम अगली बार जब महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएंगे तो बड़े स्तर पर वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, जहां देश के बड़े बड़े लोग भी यहां बुलाएंगे और उनके 3 दिन तक महर्षि वाल्मीकि के जीवन की एक पूरी सेमिनार चलाएंगे, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के महर्षि वाल्मीकि के विचारों को, शोध को, रिसर्च को लिखने वाले लोग आएंगे और किस तरीके से महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अलावा उनके जीवन दर्शन को उन्होंने लिखा है। मुझे दिल्ली में भी कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन वो अभी मुझे लेट मिले, उनके कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाया, लेकिन मैं सभी आयोजकों को कहूंगा कि अगली बार हम 3 दिन तक महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मनाएंगे और महोत्सव उत्साहपूर्ण होगा और उससे एक नई पीढ़ी को नए संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से नई चेतना, नई ऊर्जा मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर है, मदन दिलौर जी है, सभी लोग बैठे रहे, कोई यहाँ से जाए नहीं मेरे जाने के बाद, और मुझे क्योंकि एक कार्यक्रम में जाना है, आज कार्यक्रम की श्रृंखला बनी थी, डॉक्टर साहब मुझे 2 से 3 बजे तक का समय दिया था कि मैं 3 बजे और इसलिए मैंने 3 बजे आगे का कार्यक्रम दे दिया था। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि अगली बार जो विचार आपने दिए, विचारों को लेकर आगे चलेंगे, आप सबको